मजबूत आवाज में मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ जंतर मंतर पर तमाम लोग आप देख सकते हैं, जो इतने लोग आए हुए हैं यहाँ संख्या में आप लोग देख सकते हैं कि ये बिजली के अमेंडमेंट बिल को लेकर के है लगातार यहाँ पर, जो हिमाचल प्रदेश मेरठ और अलग अलग जगह से आए। कहाँ से आए आप? ये उत्तर प्रदेश जिला से। नाम है आपका? जितेंद्र सिंह गुर्जर, जनरल सेक्रेटरी अभियंता संघ उत्तर प्रदेश। मसला हो गया कि इतनी संख्या में आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी 22 जो 2022 में सरकार ला रही थी, अभी सत्र में जो है मानसून सत्र में लाया गया था, लेकिन देश के सभी कर्मचारियों अभियंताओं की ताकत के बदौलत केंद्र सरकार ने अपने सत्र में बिजली मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर कर दिया गया था, लेकिन सरकार पुनः कुचक्र के माध्यम से दुबके छुपके रास्ते से पुनः इसको जो है संसद में पास कराना चाह रही है। उसी के क्रम में आज लगभग लाखों कर्मचारी अभियंता और कर्मचारी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। तो हमारे सरकार से उम्मीद है कि आप लगातार ये मतलब जन विरोधी कर्मचारी विरोधी कानून लेके आ रहे हो, जिसका कर्मचारी पूरी तरीके से विरोध करते हैं, तो इसको आप अगले सत्र में ना रखें। अन्यथा क्या हुआ कि 27 लाख कर्मचारी जो है पूरे देश में पूरा कार्य व्यस्त का हड़ताल पर चला जाएगा, तो सरकार इसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। अच्छा, अभी ये हड़ताल पे आप लोग जाएंगे, मतलब आपके ऊपर पड़ी तो गाज गिरी तो आप लोग यहाँ पर आ गए, बाकी वहाँ योगी तो बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश से है ना? बात उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पूर्वांचल डिस्कॉम का निजीकरण करने का प्रयास किया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियरों ने पूरे देश के इंजीनियरों के समर्थन के साथ में उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर होना पड़ा पूर्वांचल निजीकरण वापस लेने के लिए। आपने देखा होगा कैस्को कानपुर में भी निजीकरण करने का प्रयास किया गया था। तो हम सभी की एकता को देखते हुए निजीकरण से देखिए दिक्कत क्या है। अभी आपने देखा है पूरे देश में चंडीगढ़ जो ऐसा है जिसमें मात्र 9% लाइन लॉस है, बताते हैं चोरी कहाँ है। चंडीगढ़ में सबसे कम 9% है, पुडुचेरी में 12% है। आप अगर आगरा में देखें जो प्राइवेट टोरेंट है उससे बढ़िया हमारा कानपुर का काम कर रहा है, जो वहाँ का थ्रू रेट जो है 6 रुपया और कानपुर 7 रुपया दे रहा है, वहाँ प्रॉफिट में चल रहा है। फिर भी सरकार जो प्रॉफिट वाले एरिया है उसको निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण एरिया में कोई भी उद्योगपति उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे क्षेत्र हैं जैसे बनारस है, गोरखपुर है, आगरा है, क्या कानपुर है, ऐसे लोगों को ये टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो है पूरा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी सरकारी तंत्र है। अभी कोविड काल में आपने देखा सारे कर्मचारी अभियंता सभी लोग जो देश की सेवा के लिए पूरा कोविड काल में अभी बिजली व्यवस्था पूरी चलती रही, लेकिन उद्योगपतियों ने पूरा अपना बंद करके चले गए थे। अभी आप चिल्ला रहे वी वांट जस्टिस, भैया जस्टिस किस बात का मांग रहे हैं, क्या हो? जस्टिस ये है कि जो हमारे उद्योग जो हमारे कर्मचारियों ने जो तंत्र बनाया अपने खून पसी, आपको पता है कि हर दिन कम से कम 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो रोज शहीद होते हैं उद्योग के लिए, अपने खून पसी से तंत्र बनाया, आप मात्र 1 रुपया में इसको बेचना चाह रहे हैं, ये सरकारी संपत्ति का। शहीद कैसे हो रहे हैं? शहीद कैसे हो रहे हैं? शहीद तो बॉर्डर पे वो फौजी हो रहे हैं। शहीद नहीं, आपने देखा जो आपके घरों में लाइट आती है ना तो उसको चलाने के लिए भी लोग लगे होते हैं। उनकी वो अपना जान देकर कर्मचारी तार जोड़ता है चिपक के मर जाता है जो है, तो वो आपको जो बिजली दे रहा है तो उसका जो है वो समर्पण है जो आपको बिजली दे रहा है जो है। तो ये अभी से थोड़ी हो रहा है, कितना टाइम से होता आ रहा है, लेकिन आज ही तो अभी, मतलब अभी आपको मतलब आप क्या चाहती हो, करोड़ों का तंत्र 1 रुपया में मतलब पूंजीपतियों को दे दी जाए? अभी आपने आवाज उठाई, इससे पहले क्यों नहीं आवाज? पहले भी आवाज उठाई गई थी सन 2, इसलिए बात चुनाव की नहीं है। अभी 2017 में आवाज उठाई गई थी, 18 में भी आपको याद है उत्तर प्रदेश में 5 शहरों 7 जिलों का निकल हो रहा था 2018 में तो कोई चुनाव नहीं था, उस समय भी हमने आवाज उठाई और 5 शहर और 6 जनपद 7 जनपदों का निगल वापस लेने को मजबूर किया। मीडिया क्यों नहीं दिखाती आपकी बात? मीडिया दिखाती है, जो मीडिया है सुनिए, जो गोदी मीडिया बस वही नहीं दिखाती है, बाकी सभी मीडिया दिखाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मीडिया नहीं दिखाती। क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश, मैं यूपी से हूँ, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद। दुख लेकर आए हैं इतना यहाँ, इतनी दूर यूपी से, योगी जी बाबा की तो वहाँ पे इतनी बढ़िया सरकार चल रही है। नहीं नहीं, बाबा की सरकार अच्छी चल रही है और मोदी की भी सरकार अच्छी चल रही है। वो सरकार है जो जनता को लूटने का प्रयास हो रहा है, बिजली क्षेत्र ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो निजीकरण करने का प्रयास चल रहा है, जो बिजली अभी आप लोगों को 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये में जनरेट कर रही है उसको बढ़ावा नहीं देंगे, जो मोदी की जो तमाम कंपनियां जो 18 से 21 रुपए पर यूनिट बिजली देंगे उन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, यही अच्छी सरकार। अगर आप दिक्कत क्या है निजीकरण से, आपको दिक्कत एक उदाहरण दे दूं मैडम, 2019-20-21-22 में लोग पूरे दुनिया में जो है कोरोना का काल था, आपने किसी निजी संस्थाओं को देखा, कहीं सड़कों पर निकलते हुए देखा? पूरी निजी संस्थाएं बंद हो गई थी, अगर कोई चल रहा था तो यही सार्वजनिक सेक्टर के लोग चल रहे थे, अगर बिजली न चल रही होती तो ये पुलिस का डंडा और प्रशासन का हुटर, ये
घर में रहो सुरक्षित रहो का नारा सरकार नहीं कर पाती। कर्मचारियों को तो अक्सर देखा गया है, जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, दफ्तर है सरकारी, वहाँ आप लोग सोते रहते हैं, फोन तक नहीं उठाते, सरासर खारिज करते हैं। आपका आरोप ने जनता को भी मैं बताना चाहूँ, जनता के बारे में बता दूँ, 2020 में जब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल डिस्काम को निजीकरण किया जा रहा था, पहली बार आपको मैं बताऊँ कि जहाँ बिजली बिगड़ती है तो लोग या तो तोड़ फोड़ करते हैं, सुन लीजिए, या तो तोड़ फोड़ करते हैं या तो बिजली के खिलाफ नारा लगाते हैं। लेकिन वहाँ जब निजीकरण हो रहा था, वहाँ छात्रों का हुजूम निकला और कहा कि बिजली विभाग जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद। ये बिजली के कर्मी जैसा आप पूछ रहे थे, हजारों लोग प्रतिवर्ष अपने जानों की कुर्बानियां देते हैं, लाइनों से मरने का कार्य करते हैं, बावजूद ऐसी हालत में, विपरीत परिस्थिति में जहां मेन मनी मटेरियल का घोर क्राइसिस है, फिर भी बिजली निर्बाध बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात से नहीं, केवल अपने हित के लिए नहीं, ये लोकतंत्र विरोधी बिल है, भारत की पार्लियामेंट में। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे इतने स्थिति पूर्वक जो गाँव है बिल्कुल रेयर स्थिति में है, तो वहाँ पे बिजली पहुंचती है, वहाँ बिजली एक टिमटिमाता हुआ बल्ब भी ना दिखता है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो हम प्रोजेक्ट देते हैं, जो हम कार्य योजना देते हैं, उसको लागू कराने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमियां होती हैं। अगर सरकार मन स्थिति से दृढ़ संकल्पित होकर उसे लागू कर दें तो 100% में बताना चाहिए कि घर घर बिजली, हर घर बिजली, सस्ती बिजली और हर पल बिजली पहुंचेगी। उसके पीछे कई कारण है कि सरकार सार्वजनिक सेक्टर में जो परमानेंट टाइप के काम है वहाँ परमानेंट आदमी नहीं रखना चाहती है, वहाँ संविदा के आधार पर, प्राइवेट के आधार पर, निविदा के आधार पर जिनको जो है परमानेंट नहीं रखेंगे तो उसके कार्य के दायित्व क्या होंगे, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, इसके कारण कहीं कहीं बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ये हमारी परमानेंट नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। नहीं नहीं, परमानेंट नहीं होंगे तो जिम्मेदारी नहीं समझते आप, परमानेंट नहीं, आपके पास कौन सी जिम्मेदारी, सरकारी होने के बाद तो जिम्मेदारी ही नहीं समझते, जिम्मेदारी समझते हैं। आपके आरोप से मैं खारिज करता हूँ, मैं जनता की बात, जनता जनार्दन है, जनता की बात मेरे मुंह में आप इस तरह मत कहिए, लेकिन 100% कहता हूँ बिजली के सेक्टर के लोग विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और देश के हर कोने में बड़े जिम्मेदारी से काम करते हैं। ये बताइए, गांव इतने मैंने पूछे, वहाँ पे कितने घरों में बिजली पहुँचती होगी? आप चले जाओ किसी गाँव में, हमारे यूपी के गाँव में तो देहात में रहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के बहुत देहात में हंडिया तहसील है, हमें बहुत टन बिजली वहाँ 16 घंटे बिजली बिजलियों वाले जो उत्तर प्रदेश के और घर में दिखा दूं, गांव दिखा दूं, टनाटन बिजली गुल, बिजली गुल, मेरे साथ दौरा करें, बिजली गुल मेरे साथ दौरा करें। मैंने जो प्रस्ताव दिया है, हमने जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, हमने जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश बिजली के मैनेजमेंट को दिया, अगर हमारे 10% प्रस्ताव को भी लागू कर दे तो 100% बिजली टनाटन होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने 32 पन्ने का पेज विद्युत व्यवस्था सुधार कैसे किया जा सकता है, हर घर बिजली कैसे जा सकती है, सस्ती बिजली कैसे जा सकती है, सरकार और उसके बैठे हुए जो प्रबंधन के भ्रष्टाचारी रवैये से इस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते, केवल निजीकरण करना उनके दिमाग में फितरत चल रहा है, इसलिए व्यवस्था बिगड़ी है। आपकी बात से भी सहमत हूँ, अगर वो व्यवस्था लागू हो जाए। अभी आपने कहा टनाटन बिजली है जो आ रही है, भैया तो सरकार अच्छा काम कर रही है ना? नहीं नहीं, उस जगह पे जहाँ लोग हमारे इंटैक्ट होकर कुछ साधन है वहाँ चल रही है, अच्छा काम भी कर रही है, सरकार नीतियों की भी काम तो कुछ कर रही है, कुछ खराब कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, अंबानी भाई को बढ़ा रही है, अडानी भाई को बढ़ा रही है, निजी संस्थाओं को बढ़ा रही है, लेकिन अच्छा वह नहीं कर रही है जो, ये तो जो है अंत्योदय की योजना चलाया था, आप जानते दीनदयाल योजना, दीनदयाल कौन थे, पंडित दीनदयाल कहते थे कि विकास का परिभाषण तब है जब अंतिम सीढ़ी पर लोगों को विकास के पैमाने से पहुंचाया जाए, लेकिन आज सरकार और तमाम लोग मिलकर के केवल जो ऊपर बैठे हैं उन्हें ऊपर कर रहे हैं, जो नीचे बैठे उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं। ये बस क्या नाम है? प्रभात सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश में, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश अभियंता संघ का। तो अभी ये बता रहे हैं कि भैया अडानी अंबानी को दे दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यही बढ़ावे का काम कर रहे हैं और निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण से दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत ये है, तो उसकी अच्छाइयाँ बता रही है सरकार। नहीं नहीं, पहले तो ये बताइए निजीकरण की अच्छाइयाँ क्या है, अगर मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं सरकार के मुँह से, जो सरकार ने कहा निजीकरण बहुत अच्छा है, अगर आपके पास कोई उदाहरण हो अच्छा वाला
तो कृपया मुझे बताएं। वो बोलते ना भैया कर्मचारियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बढ़ावा मिलेगा, वो काम कर पाएंगे, रोजगार मिलेगा। एक ही इंसान मतलब जो उम्र भर तक करता जा रहा है, तो ये सरकारी कर्मचारी जो अभी कार्यरत है ये कहाँ जाएंगे? निजीगढ़ होगा तो ये कहाँ जाएंगे? इनके परिवार कहाँ जाएंगे? ऐसे अनेकों उदाहरण है जो सरकारी कर्मचारियों को निजीगढ़ के उपरांत सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया गया, तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। ऐसा निजीगढ़ जो है ना, निजीगढ़ ना ही प्रदेश के हित में है, ना हम जानना सुनाने के हित में, ना ही हम कर्मचारियों के हित में, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। तो सरकार कितने अच्छा काम करती है, आप डंडा झंडा लेके उसका विरोध करने आ जाते हैं। देखिए ये सरकार कोई ब्रह्मांड या आसमान से उतर के नहीं आई है, हम ही लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार है, ये हमारी सरकार है। लेकिन अगर हम विरोध नहीं करते हैं लोकतंत्र में, तो ये हमारी कायरता होगी। गलत चीज़ का विरोध करने का अधिकार हमें लोकतंत्र में दिया गया है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अनावश्यक वैसे इसका मतलब ये बिल्कुल ना माने कि हम सरकार विरोधी लोग हैं, हम उनकी नीति का विरोध कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक नीति का विरोध कर रहे हैं। अनेकों ऐसे जो है पार्लियामेंट में लॉ पास हुए हैं जिसका सब लोगों ने तालियां बजा के स्वागत किया है, जो सरकार ने अच्छा किया, परंतु इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक गरीब तबके का आदमी भी प्रभावित होने जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि इसको सोच परख कर स्टैंडिंग कमेटी को भेजकर, कर्मचारियों की बातें सुनकर, आम जनमानस के व्यू पॉइंट लेकर तभी पास किया जाए, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ा काला कानून की तरह सामने आएगा और बाद में हमारे पास ये पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। कहाँ से आए? झांसी, यूपी। यूपी से आए हैं, अधिकतर लोग यूपी से भी हैं। मतलब मतलब क्या मसला हो गया भाई? सरकार की नीति आपको रास नहीं आती, वैसे सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पर हम किसी राजनीतिक दल का विरोध कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा प्राथमिक मुद्दा है, जो सरकार की निजीकरण की नीति है, जो निजीकरण की नीति है, जबरदस्ती थोपने वाली जो नीति है, और जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, हम उसके लिए यहाँ पे आए। निजीकरण तो वो और भी संस्थानों में कर रही है और बेहतर बताया जा रहा है कि रोजगार और संस्थानों और हमारे संस्थान में एक अंतर है। जब हमारे देश का संविधान बना था और हमारे राजनेता बने थे, उनकी बड़ी दूरदर्शिता की सोच थी, उनकी सोच थी जो निम्नतम आवश्यकता है पब्लिक की, क्योंकि हम एक गरीब देश है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे क्षेत्र जिसपे एक देश के अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, वो निर्भर है। जैसे हो गया शिक्षा, हो गया आपका चिकित्सा, हो गया विद्युत, हो गया ट्रांसपोर्ट, हो गया, ये ऐसी चीजें जो निम्नतम आवश्यकता है, जो कि मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको मिलनी चाहिए, तो ऐसी चीजों का निजीकरण आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसी चीजों का निजीकरण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित होगा, हमारे देश की पूरी जो जनता है। सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि निजीकरण सही नहीं है? जो सरकार की नीति हमें समझ में आ रही है, वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो दिखा तो रही है कि निजीकरण से पब्लिक को फायदा होगा, पर वास्तव में फायदा हो नहीं रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ कारपोरेट घरानों को लाभ पहुँचाना है। तो ये देखिए, तमाम जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो एक ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, तो उसी के चलते यहाँ पर बिजली का भी जो है निजीकरण कर दिया गया। सोचिए बिजली सप्लाई नहीं होगी तो आखिर होगा क्या उन घरों में जब बिजली नहीं पहुँचेगी? ऐसे ऐसे गांव पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे घर पड़े हुए हैं कि जहाँ बिजली सप्लाई होती नहीं है। ऐसे ऐसे गाँव की मैं बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ, और भी जो महाराष्ट्र है, चाहे उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पर भी तरीके की समस्याएं हैं जहां बिजली अभी तक पहुंच नहीं रही है। लेकिन वहां पर अब निजीकरण और हो जाएगा तो सोचिए क्या कुछ होगा। तो यहां पर तमाम लोग जो आप देख सकते हैं पोस्टर बैनर डंडा झंडा के साथ आए हुए हैं, तो यहां पर सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण उपाध्याय है। क्या कुछ हो गया कि आप लोग यहां पर होश में आओ, होश में आओ? क्या बेहोश पड़ी है सरकार? नहीं नहीं, सरकार का जो तानाशाही रवैया है, जो निजीकरण को लेके है, पुरानी पेंशन को लेके है, और अभी जो हमारा LMB 10 जो हमारे कर्मचारी हैं उनको एक सरकारी रियायतों पर जो बिजली मिलती है उसे बंद करने जा रहे हैं। LMB 10 का कनेक्शन जैसे रेलवे कर्मचारी को रेलवे में पास मिलता है वो फ्री होता है, वैसे ही बिजली कर्मचारियों को रियायती दरों पर बिजली मिलती है, उस LMB 10 को एक खत्म करने जा रहे हैं, उसके विरोध में है। पुरानी पेंशन चालू कराने के पक्ष में है जैसे तेलंगाना ने किया है। संविदा कर्मी जो अब हमारे हैं, हम उनको स्थायीकरण को लेके सड़क पर हैं, उन्हें भी परमानेंट किया जाए जैसे तेलंगाना सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने किया है। और जो ये निजीकरण को लेके अमेंडमेंट बिल आया हुआ है 2022,
कोई एजेंडा के तहत तो नहीं आए लो आप लोग यहाँ पे, अभी चुनाव भी है। एजेंडा, एजेंडा क्या है? एजेंडा अपनी नौकरी अगर अपनी नौकरी बचाना, अपना घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनी आवाज उठाना एजेंडा है, तो मैं एजेंडे के तहत आया हूँ। अच्छा, तो आवाज उठाएंगे? आवाज कहाँ आपकी, आवाज दबा दी? आवाज संसद दे जाएगी अगर निजीकरण होना है। मीडिया बंद हो, मेरी आवाज पहुँचाएगा। बिल्कुल, संसद को अभी निजीकरण करो ना, अगर सब चीज निजीकरण होगी। सरकार इतनी अच्छी बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, एक नीति क्या कर दी तो आप लोग विरोध करने आ गए, डंडा झंडा लेके? नहीं नहीं, एक नीति नहीं है, बार बार हो रहा है। और जब जिसके घर पे चोट लगती है, जिसका घर जलाया जाता है, उसके दिल से पूछो उस पे क्या होता है, जिसके हाथ से रोजी रोटी छीनी जा रही है। ये प्राइवेटाइजेशन, ये निजी घरानों को जो फायदा पहुंचाने की इनकी स्कीम है, इसके विरोध में हम। क्या नाम है? खरीदी भी होती है, मीडिया खरीदी होता है, क्यों बोलेगी मीडिया, क्यों जवाब देगी मीडिया? जब आवाज दबाई जाएगी क्यों बोलेंगे? मीडिया खरीद ली है बोलेंगे, लेकिन किसने खरीदी नहीं बोलेंगे, है ना? मतलब हम सामने दिखाएंगे। आवाज क्यों दबा दी जाएगी? आप भी प्रश्न पूछ रही ना भाई, तो आप प्रश्न क्या, मीडिया किसने खरीदी? हमारे हमारे फिर से आप बोलेंगे ना, मीडिया किसने खरीद? हमारे फिर से आप बोलेंगे ना, बोलने से डर रहे हैं? आपने कहा ना डर रहे हैं आप, दबा दी आवाज दबा जाएगी, बोलने से डर रहे हैं आप? आवाज दबा दी जाएगी, बोलने से डर रहे हैं? ये देखिए मीडिया किसने खरीद ली, बताइए जरा। मीडिया तो किसी ने नहीं खरीदी, लेकिन जो सच की आवाज है, सच की आवाज हर एक आम आदमी, सच की आवाज को हर एक आम आदमी उठाएगा। विद्युत कर्मी, हम सब विद्युत कर्मी, यहाँ पूरे देश के यहाँ विद्युत कर्मी आज इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हो गए पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली, क्योंकि कई स्टेटों में भी पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अगर पुरानी पेंशन बहाली हो जाएगी तो क्या घट जाएगा? सरकार को तो आप गलत बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? नीतियाँ कुछ सही करती है, कुछ गलत करती है, तो आप ऐसे विरोध करने आ जाते हैं? नहीं, विरोध हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम अपनी हक की मांग मांग रहे हैं, हक के, अपने हक के लिए लड़ना। हक की मांग किससे मांगेंगे? हमारा विरोध किससे है? हमारा अपने शीर्ष प्रबंधन से विरोध है, हमारा प्रदेश सरकार से विरोध है, हमारा किसी सरकार से ही तो है ना। और सरकार को सत्ता में लाने वाले कौन लोग हैं? सरकार में सत्ता में लाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग सरकार को सत्ता में लाते हैं। लेकिन अगर कहीं नीति निर्देश गलत हो रहे हैं, अगर आप अन्याय कर रहे हैं, तो अन्याय के खिलाफ कोई भी जनता बोलेगी ना। देखिए एमसीडी चुनाव भी है दिल्ली में, आप लोगों का यहाँ आना कोई एजेंडा सेट तो नहीं है? नहीं, हमारा यहाँ आना कोई एजेंडा सेट नहीं है, हम केवल अपनी मांग के लिए, हमारा पूर्व सुनियोजित कोई प्रोग्राम था, पूर्व सुनियोजित हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाने, अपने हक की आवाज मांगने के लिए आए। सरकार के खिलाफ तो जा ही नहीं रहे आप, बोलो सरकार से विरोध नहीं? हम कहते भाई क्या मेरे से विरोध है ना? हम नहीं तो मीडिया से विरोध है हमारा, नहीं हमारा सरकार से विरोध है हमारा, किसी से कोई विरोध नहीं, हम अपनी हक की आवाज मांग रहे हैं। हक की आवाज किससे मांग रहे हैं भाई? किससे मांगे हम, किससे मांगे हक की आवाज? अपने प्रबंधन से मांग रहे हैं, सिर्फ प्रबंधन से मांग रहे हैं। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं ना, शायद लगता है ऐसा ही लड्डू खिला दिया गया आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, अगर हम बोलना नहीं चाहते तो आज इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में यहाँ लोग इकट्ठे नहीं। अगर बोलना नहीं चाहते कि विरोध कर रहे, लेकिन हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, तो मेरा विरोध करने आए हैं? तो विरोध किसान, एक बात सुनिए, अगर आप समझती हैं ये कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम किसी का विरोध कर ही नहीं रहे हैं, हम अपनी मांग मांग रहे हैं। उस मांग मांगने को आप ये कहें कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसी से एक से मांग ही रहे हैं, तो विरोध करके सरकार, विरोध करके हम सरकार नहीं मांग सकते? हम विरोध करके किसी सरकार का, हम अपोजिट में नहीं जा रहे हैं, हम ये कहां, हम ये कहां कर रहे हैं? सरकार को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, आपका आपका जो एजेंडा है ये सब चीज है वो दिख भी ना रही, आप लोग बुरे ना भाई। ये कहीं तक आपकी बात गलत है, सरकार को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर देखिए हम अपनी मांग रहे हैं, हम अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसमें अगर आप लोग इसको इस तरह से लेके जाएंगे कि सरकार को बुरा नहीं लगेगा, बोल ही नहीं पाए। अगर सरकार को गलत भी लग रहा है तो लगे, अगर सरकार गलत करेगी तो उसे महसूस होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। हम सरकार को गलत नहीं बता रहे, हम सरकार की जो कुनीतियां हैं, जो कर्मचारी विरोधी कुरीतियां हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और उसकी आवाज उठाई जाएगी। कि हम किसी का विरोध करने नहीं आए, तो भैया सरकार से तो मांग डिमांड कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष का विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी समस्या बता रहे हैं। समस्या किसको बता रहे हैं? समस्या सरकार को बता रहे हैं हम। किससे मांग रहे हैं? हम सरकार की जो गलतियां हैं, विरोधी हैं, उनको बता रहे हैं कि अपनी बात करो, समझे ना? सरकार की जेल जाने की धमकी दे दी, डर गए? बिल्कुल दीजिए, डर नहीं लगता? शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे, देख लेंगे जी, ऐसे ही दो डंडा पड़ेगा। आप सुन रहे हैं क्या बात करें? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
आप जिंदाबाद लगा रहे हैं, यहाँ पे कौन सी भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं भाई? देखिए जब अपने हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो मोदी की जय, बोलो मोदी की जय, योगी की जय। देखिए हम किसी पार्टी का ना ही तो हम किसी पार्टी किसी विशेष पार्टी का हम समर्थन करते हैं और ना ही किसी पार्टी से हमारा विरोध है, हमारा किसी विशेष पार्टी से कोई विरोध नहीं है, ना हम समर्थन करते हैं। हम किसी की जय क्यों बोलेंगे? हम पावर सेक्टर जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम 60 साल जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं ना। क्या गलत हो गया? सरकार ने हमारे हकों पे प्रहार कर दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों के हमारे बुजुर्गों ने हमें ये विभाग दिया है, ये क्या किसी नेता ने पैदा कर दिया था? कहाँ से आए? मेरठ से। ये उद्योगपतियों ने लगाई है पोल, जो खंबे ट्रांसफार्मर, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे विभाग ने तैयार किया है, तो इसे बेचने का भी अधिकार किसी पार्टी विशेष को या किसी घराने को खरीदने का नहीं है। सरकारी नौकरियों में आप लोग, सरकारी नौकरियों में आप लोग आराम करते थे, अब वो छीन रहा है तो आप कभी नहीं किया, ये आराम करते हैं। सुनिए मैडम, यदि सरकारी आदमी आराम करता तो जिस दिन कोरोना आया था, जब सरकारी आदमी खड़ा था मरने के लिए, मिटने के लिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, मगर प्राइवेट वालों ने ताले बंद करके अपने घर भाग गए थे। जिन लोगों की आप वकालत करते हो, यानी सरकार वकालत किसी की नहीं, सरकार वकालत करती है, क्या वे रोडवेज बसें नहीं चलाई गई सरकार की? क्या प्राइवेट बसें आई थी? क्या सरकारी आदमी ने अपनी बिजली नहीं चलाई, प्राइवेट व्यवस्था चली थी? क्या प्राइवेट व्यवस्था किसी भी जगह आपको नजर आई? सब ताला लगा के अपने घर भाग गए थे, केवल सरकारी कर्मचारी डटा हुआ था, केवल सरकारी कर्मचारी उस दिन डटा हुआ था जिस दिन बहुत क्राइम हो रहा है आगरा में, बहुत क्राइम हो रहा है, प्रदेश क्राइम प्रदेश, समस्याएं बहुत है आगरा में, समस्याएं बहुत ज्यादा है। देखिए ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन खुलकर भी नहीं बोल पा रहे हैं। सोचिए सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लगातार यहाँ पर मांग डिमांड है इनकी कि भैया जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं बिजली का, तो उसको वापस ले और जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली सेक्टर को दिया जा रहा है वो बंद करें। लगातार जो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर इनकी मांग डिमांड है, लगातार ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। तो ये मांग डिमांड किससे करना चाह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये तमाम लोग जो इतनी इतनी दूर से आए हैं, मेरठ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से आए हैं, राजस्थान से भी आए, पंजाब से भी आए हैं, अलग अलग स्टेट से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तमाम अपनी मांग और डिमांडों को लेकर, बिजली के अमेंडमेंट बिल को लेकर के यहाँ इनकी मांग और डिमांड है। तो इसी के साथ देखते हैं जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर दिल्ली।